हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों, यहाँ सर्दी बहुत हो रही है और मैं अभी जा रहा हूँ थोड़ी कटिंग करवाने के लिए। बाल बहुत बढ़ गए मेरे पीछे से, खासकर पीछे से बाल बहुत बढ़ गए हैं, तो उसको थोड़ा सेट वेट करा लेते हैं, थोड़ी शेविंग सेट करा लेते हैं। और अभी घर का थोड़ा कुछ काम है, मतलब अभी उठा है भांजा, तो बिस्तर विस्तर सब मैं अरेंज करता हूँ सही से, फिर चलते हैं कटिंग के लिए। ओके, दोस्तों रूम मैंने क्लीन कर लिया है, सारे बिस्तर उठा दिए, अब मैं जाता हूँ कटिंग बनाने के लिए। दोस्तों कटिंग मैंने करा ली है, ट्रिम नहीं कराया, शेविंग को ये मैं घर पे ही करूँगा। दोस्तों मैं हो चुका हूँ फ्रेश, देखिए मैंने बाल छोटे करवा लिए हैं, अब वो आराम से अपने बढ़ते रहेंगे। अब मैं जाके करता हूँ नीचे लंच। ये दोस्तों इसको देखिए, बस दिन भर यूट्यूब और गेम खेलते रहता है। यूट्यूब बंद तो गेम खेलना चालू, गेम से मन भर गया तो यूट्यूब चालू। दोस्तों आज 31st है, आज साल का लास्ट दिन है, तो अगर आपने कोई अच्छे काम किए होंगे तो उसको याद करना, अगर किसी को हर्ट किया होगा तो उसको सॉरी बोल देना, क्योंकि साल का लास्ट दिन है। तो हमारा तो कुछ प्लान नहीं है ऐसा 31st का कि फ्रेंड के साथ बाहर जा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, या फिर फैमिली के साथ। नॉर्मली जो कैजुअल घर में जो रहते हैं वही घर का खाना वाना लंच डिनर साथ में कर लेते हैं, वही पार्टी हो जाती है। और आई होप सब कुछ अच्छा रहा, आगे अच्छे सब्सक्राइबर मिले, अच्छे फैमिली बनी सबसे यूट्यूब की, तो फिर आगे सोचेंगे पार्टी वार्टी का। फ़िलहाल तो अभी अपन चीज़ें सीख रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अभी तो कोई पार्टी नहीं हो रही है। दोस्तों आज मैं एक्सरसाइज के लिए नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा सा काम पेंडिंग में पड़ा है, मैं उसको सोच रहा हूँ उसको कम्प्लीट कर लूँ, क्योंकि वहाँ जिम में जाओ तो 1 से 2 घंटे ऐसे निकल जाते हैं, फिर रात में थोड़ा थक जाते हैं तो काम नहीं हो पाता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज के दिन स्किप कर दूँ और आज का वो काम कम्प्लीट कर दूँ। काम मतलब कि वही जो नॉर्मली रहता है, थोड़ा पढ़ाई से रिलेटेड या फिर कुछ वर्क अगर मैं सर्च वर्च कर लेता हूँ मेरे काम से रिलेटेड, जो मेरे पढ़ाई का काम का रिलेटेड है, तो सोच रहा उसको कंप्लीट कर लूँ, उसको कंप्लीट करके रख दूँ तो फिर कुछ नया स्टार्ट करेंगे। तो अभी तो वैसे मैं कोई जिम विम नहीं जा रहा हूँ, एक्सरसाइज अभी मैं आज के दिन स्किप कर दे रहा हूँ। दोस्तों मैंने आपको बोला पार्टी का, तो वैसे तो यहाँ पर पार्टी की तो कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रात के 11 बजे से सुबह के 5 या 6 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। हालांकि मैंने आपको पहले के ब्लॉग में ही बताया था, जब जीजाजी आ रहे थे मैं रात में स्टेशन गया था, उसमें बताया था मैंने कि यहाँ पे कर्फ्यू लगा है रात के 11 से सुबह के 5 तक। तो आई होप किसी ने ऐसा पार्टी को का प्लान नहीं करा होगा, कोई होटल बुक वुक नहीं करी होंगी, तो फालतू में नहीं तो उनके पैसे वेस्ट जाएंगे। हाँ, अगर उन्होंने कुछ अपना जैसे जुगाड़ उगाड़ किया होगा तो वो बात अलग है, तो दैट आई डोंट नो। तो दोस्तों बैकग्राउंड के साउंड को इग्नोर कर देना, क्योंकि अभी शाम में कितने 7 साढ़े 7 बज रहे हैं, तो आपको पता है ट्रैफिक यहाँ पे रहता है। मेरा घर मेन मार्केट में है तो ट्रैफिक आपको मिलेगा ही। दिन में भी आप मेरे ब्लॉग में देखते होंगे कि ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, तो उसको इग्नोर कर देना। तो दोस्तों जल्दी से मैं अपना काम कम्प्लीट कर लेता हूँ, फिर मैं रात में थोड़ा फ्री रहूँगा, तो उस समय कुछ और सोचेंगे कुछ नया करने का, तो अभी मैं जल्दी जल्दी मेरा काम कर लेता हूँ। दोस्तों अभी काम करते करते नीचे बुला लिया था, कुछ घर का सामान लाना था, वो मैंने सामान ला के दिया। और अभी न्यू ईयर के लिए, मतलब घर के लिए, मतलब खास में रात में ही अभी वड़ा सांभर बन रहा है घर में, तो मैं आपको उसके आगे की फुटेज दिखाऊंगा। थोड़ा सा काम मेरा बचा है, उसको जल्दी से मैं कंप्लीट करके फिर अपन नीचे चलते हैं। दोस्तों वर्क मेरा कंप्लीट हो चुका है और मैं जा रहा हूँ नीचे, और नीचे जो खाने के लिए बन रहा है न्यू ईयर के लिए, उसको मैं आपको दिखाता हूँ। हैप्पी न्यू ईयर।
दिन भर टीवी। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे वड़ा सांभर बन रहे थे रात के लिए, मतलब अभी खाएंगे सब डिनर में, और बस यही पार्टी है हमारी घर की। हे दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है 9:51 और मैंने डिनर कर लिया है, और लिटरली इतने टेस्टी बने थे वड़ा सांभर कि मैं आपको बता नहीं सकता। अभी नीचे बाकी लोगों खाना खा रहे हैं तो मैं अभी ऊपर आ गया हूँ। मैंने और शौर्य ने थोड़ी देर मस्ती करी, अभी 5-10 मिनट से हम मस्ती कर रहे थे दोनों। फिर मैं भी ऊपर आ गया हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा काम है, तो मैं उसको कंप्लीट करता हूँ जल्दी से, और फिर 12 बजे मिलते हैं न्यू ईयर के टाइम पे। तो दोस्तों 12 बज चुके हैं और हैप्पी न्यू ईयर लग चुका है, 1 जनवरी लग गया है। तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर बोलो। हैप्पी न्यू ईयर। तो दोस्तों आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, आपके लिए ये साल बहुत अच्छा जाए, मेरे लिए भी जाए, और आपके लाइफ में और मेरे लाइफ में हर पॉजिटिव चीज़ हो, तो हैप्पी न्यू ईयर। तो दोस्तों ये कुछ रात का माहौल है हमारे घर का, और बाहर डीजे की आवाज़ आ रही है, 12 बज चुके थे, सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आपको तो इतना कुछ खास दिख नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी हमको सुनाई दे रहा है। तो दोस्तों 12 बज चुके हैं, न्यू ईयर लग चुका है, आप अगर पार्टी कर रहे होंगे तो आप पार्टी करो। तो इस वीडियो को बस यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। बाय बाय।